नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति की रेसिपी में। आज हम आपको ब्लाउज का बोट नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। यह हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रखना है। ये फालतू कपड़ा है, सिलाई में जाएगा। 34 इंच चौड़ाई है तो इसका चौथाई भाग 8.5 इंच है। आर्म होल 5 इंच है। शोल्डर 5 इंच है। गले की कटिंग हमें बकरम पे करना है। ये हमारा बकरम है। बकरम की लंबाई 7 इंच है। चौड़ाई 4.5 इंच है। यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से इसे भी लकीर मिला लेंगे। ये 6.5 इंच मेरे गला था। गले की लंबाई 6.5 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 3 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। बाहर की ओर 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। बाहर की ओर हमें आधा आधा इंच पे निशान लगाना है। पहले बाहर की ओर हमें कटिंग करना है। ये इस तरह से हमारा डिजाइन कट चुका है। इस तरह से अब इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है बकरम को। अब इस कपड़े पे अस्तर ज्वाइन कर लेंगे। अस्तर की चारों साइड हमें सिलाई कर लेना है। ये इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा देना है। ये ऊपर 3 इंच छोड़ के हमें इसे लगाना है इस पट्टी। सेंटर में हमें सिलाई कर लेना है। बकरम के किनारे पे हमें सिलाई करना है। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। इसके बीच में कट का निशान लगाएंगे। यहाँ कट का निशान लगाएंगे। इसे पलटने में आसानी हो जाती है। ये हमने कट का निशान लगा दिए हैं। अब इसको इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से इसके गले के किनारे पे सिलाई करना है। इस पर सिलाई कर लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे।
अब यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से गोलाई में ले लेना। इसको रख के हम गला पट्टी काट लेंगे। इसे हमने सिलाई कर लिए हैं, इसको इस तरह से रखेंगे। किनारे पे हमें कट का निशान लगाना है। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, किनारे पे सिलाई कर लेंगे। अभी इस पे हमें डिजाइन बनाना है। ये पट्टी है, 1.5 इंच चौड़ाई है, और ये भी पट्टी, दोनों को इस तरह से हमें रखना है। दोनों किनारे पे हमें सिलाई कर लेना है। ये दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई हो गया है। पट्टी के सहारे से इसको हम पलट लेंगे। अब इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से रखना है, इसके बीच में हमें सिलाई करना है। इस तरीके से हमें सारे डिज़ाइन बनाना है यहाँ तक। ये इस तरह से हमने डिज़ाइन बना लिए हैं। अब इसको इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है सुई धागा से। ये सुई धागा है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। इसी तरह सारे डिज़ाइन हमें बना लेना है। ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बन चुका है। यहाँ पे एक लटकन लगाएंगे, तो ये लटकन है, इसके अंदर रखेंगे इसे। इस गले पे हमें लैस लगाना है। ये लैस इस तरह से लग चुका है, ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।